आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन की कीमतों में उठापटक का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बात करें अगर वायदा बाजार की, तो वायदा में हाजिर से ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। कीमतें किसी दिन सही तो किसी दिन टूटती दिखाई पड़ती हैं। वायदा में सोयाबीन की कीमतों में उठापटक का ये माहौल पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जारी है। दरअसल जिन किसानों ने सोयाबीन को स्टॉक करके रखा हुआ था, उन्होंने अब उसको बेचना शुरू कर दिया है। विदेशों में भी तिलहन बाजार में गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर भारतीय तेल तिलहन की कीमतों पर दिखाई दिया है। साउथ अमेरिका में अच्छी बारिश के चलते सोयाबीन का उत्पादन अच्छा रह सकता है, जो वैश्विक सोयाबीन की सप्लाई में कुछ मददगार साबित हो सकता है और इससे अमेरिका के सोयाबीन के निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर भारतीय वायदा बाजार NCDEX पर सोयाबीन की कीमतों पर नजर डाली जाए, तो शुक्रवार को यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोयाबीन का दिसंबर वायदा 6380 पर लगभग 3% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दे चुका है। NCDEX पर सोयाबीन वायदा की कीमतों ने एक सीमित दायरा पकड़ लिया है, जो कि नीचे में 6000 से लेकर ऊपर में 6800 तक का है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।